भारत की कुशल विदेश नीति और पीएम मोदी की कूटनीति अब वैश्विक मंच पर रंग दिखाने लगी है। भारत जहां एक ओर यूक्रेन में सीजफायर का अगुआ बनकर सामने आया, वहीं कई देश भारत के पीछे आकर खड़े हो गए। साथ ही यूएन जनरल असेंबली में भी भारत की ये दमदार ताकत नजर आई, जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत की तारीफ करते दिखे। अगले ही दिन इसी मंच से चिली के राष्ट्रपति ने भारत को यूएन का स्थायी सदस्य बनाने की मांग कर डाली। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर बातचीत हो रही है, और इसी कड़ी में अब फ्रांस ने भी खुले मंच से भारत को सपोर्ट दिया है। दरअसल मैक्रों न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा की 69वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। इसी संबोधन में उन्होंने सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग की। इस दौरान उन्होंने भारत, ब्राजील और जापान को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने की अपील की। मैक्रों ने कहा, भारत, जापान और ब्राजील को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही अफ्रीका की ओर से नामित अफ्रीकी महाद्वीप के दो देशों को भी इसका सदस्य बनाया जाए। As I reiterate here, is in favor of the Security Council being expanded. Germany, Japan, India, Brazil should be permanent members, much like two countries that Africa will decide to represent them. These new elected members will also need to be accepted. But the reform of the composition of the Security Council is not sufficient alone to make it more effective. And so I wish this reform also to how it should also change the working methods to limit the right of veto in case of mass crimes and also to focus on operational effective decisions that peacekeeping needs. मैक्रोन ने जोर देकर कहा कि चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका को ही स्थायी सदस्यता मिली हुई है, लेकिन अगर हमें और आगे बढ़ना है तो कई और देशों को भी हमें इसमें जोड़ना होगा। बता दें कि मौजूदा समय में सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और यूएस शामिल हैं। वहीं 10 अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। पिछली बार 2021-22 में संयुक्त राष्ट्र की उच्च परिषद में भारत अस्थायी सदस्य के रूप में हिस्सा लिया था। हाल ही में पीएम मोदी ने समिट ऑफ द फ्यूचर कार्यक्रम में वैश्विक मंच से कहा था कि शांति के लिए ग्लोबल रिफॉर्म जरूरी है, और आज इसी बात को लेकर दुनिया के बड़े बड़े देश भारत के पीएम से एग्री भी कर रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र में कुछ बदलाव की मांग भी कर रहे हैं। इसके साथ ही मौजूदा समय में भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान लंबे समय से स्थायी सदस्यता की मांग भी कर रहे हैं। इन देशों के संगठन G4 ने एक बार फिर इसके लिए अपील की, और इस बार भारत को अधिकतर देशों का समर्थन मिला है और यूएनएससी में भी रिफॉर्म करने की बात कही गई है। अमेरिका, फ्रांस समेत कई स्थायी देशों ने भारत को इस ग्रुप का परमानेंट मेंबर बनाने की समर्थन दिया है, लेकिन चीन लगातार इसका विरोध करता है। भारत की दावेदारी के लिए मैक्रों का ये बयान पीएम मोदी के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के ही मंच से इसमें सुधार की वकालत की। वहीं कुछ दिन पहले भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट कर इस बात को कहा था। जयशंकर ने अपने एक्स पोस्ट में संयुक्त राष्ट्र को अतीत का कैदी बना हुआ कहा था। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग लंबे समय से करता रहा है। उसका कहना है कि 15 सदस्यों वाली सुरक्षा परिषद 21वीं सदी तक जरूरत के हिसाब से फिट नहीं है।